था। सामने उपस्थित जनसमूह, सभी समाज के बुजुर्गों भाइयों बहनों, मैं सचिन जी भगवान को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आया यहाँ तो मेरे को पायलट साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कराई। दोबारा धन्यवाद देता हूँ, दोबारा आया तो मुझे आपने राजस्थान के रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया आपने, उसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका एहसान है, ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा मैं जिंदगी भर नहीं रहूंगा आपका, मैं जिंदगी भर मैं और मेरे जो परिवार है कभी आपका एहसान चुका नहीं पाएगा। इतना बड़ा एहसान किया है कि पूरे राजस्थान में पहले नंबर की जीत मुझे मिली। तीसरी बात, मैं आया बसंत पंचमी को तो मैंने यहीं से घोषणा की थी कि गहलोत साहब और पायलट साहब के लिए कि भाई आपने आरक्षण दिया है तो ये लागू होना चाहिए, वरना मैं कल देव की मंडी पे जाके बैठूंगा। मैं बंसी पहुंचा और अशोक गहलोत का फोन आया कि भाई प्रिया मीणा जी कहा आप पेंशन में बंसी में हो कि आप जयपुर पहुंचो, 9 बजे को मिलो। आपके समाज ने संघर्ष किया लेकिन मेरी उस एक धरती से कांग्रेस सरकार ने आपको 5% आरक्षण दूसरे दिन ही दिया। जाओगे पक्का जाऊंगा, मैं जो कह देता हूँ कायम रहता हूँ। मैंने आपने अगर आज घोषणा नहीं की तो मैं रेल की पटरी पे फैसला साहब के साथ बैठने जाऊंगा। दूसरे दिन ये कदम आप घोषणा कर रहे, दूसरे दिन उन्होंने घोषणा की। आपका बलिदान, आपका संघर्ष ये तो यही है, लेकिन उस डर से उसने दूसरे दिन ही सीएम मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। और अब तिवारी में आया हूं चौथी बार, पहले तो 6 महीने तो यादव से था एमपी चुनाव इन्हीं में लग गए, फिर कुछ काम भी किए और ये दो ही पंचायतों के लिए मीटिंग ली है भाई। ये न जाने कितने दिनों से लोग आए, 30 पंचायत तो राजनीति टोड़ा भीम में है और 43 है वो टोड़ा भीम में, 30 है राजनीति। दो ही पंचायतों को आदर्श गांव घोषित कर दूंगा तो मारा तो कपड़ा फाड़ देगी तभी तीसरा। हाँ ये है आपका हक है, मांगना चाहिए और कोई बीपी छोड़ी नहीं होगी ना हुई है। अब कोई सरपंच चुनाव लड़े और कोई मेरे को तो फोन किया नहीं है, क्या कोई अपनी काबिलियत से तस्दीक की जा करेगा भाई, अपनी काबिलियत से लिया। और भाई साहब जो कह रहे मेरे ख्याल से अभी सरपंच बनेंगे भाई साहब एक डेढ़ महीना है। मैं हकीकत जानता भी हूँ, मैं मिला भी नहीं, लेकिन चूंकि मेरा दायित्व है जितना हो सके विकास करना और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार पूरी राजस्थान में कोई काम करी नहीं रही। ये सब निजी बात करते मैं कड़ी बात कर रहा हूँ, अशोक गहलोत सरकार पूरी राजस्थान में कोई काम ही नहीं कर रही। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर 5 साल आदमी साथ नहीं खुला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे को एक बार मेरा करना था लोग को बना दिया, उसके लिए मैं एहसान बन दू। मेरे को ज्यादा कोई शौक नहीं थी बुढ़ापे और सब कुछ भगवान का राज है, मैं दिक्कत मुझे कोई अंतरिम मंत्री बनने में देखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब तक शासन पूरी राजस्थान का नहीं आएगा तब तक आपके काम नहीं होंगे। पूरी राजस्थान मतलब मैं ये नहीं कहता कि पायलट भी बने, नहीं बने भाई। अगर आपको पायलट से आपत्ति तीनों का आपत्ति थी, लेकिन आप वो मीणे भी समझ गए कि भाई पायलट बने तो हमारा भाई ना। अरे भाई पायलट साहब को रोड बनाएंगे तो उससे गुजर भी चलेगा, मीणा भी चलेगा और भी जाति चलेगी, बाहर का भी चलेगा, क्या आपत्ति है। अब हमारा पूरे राजस्थान के लोग समझने लग गए, मैं जब बोलता हूँ तो अशोक गहलोत के लोग कहते आपके खिलाफ हुआ, मैं खिलाफ रहूं। जब तक पूरी राजस्थान में सत्ता नहीं आएगी आपका विकास कार्य नहीं होगा, सारा पैसा जोधपुर उदयपुर में जाता रहेगा।
कोई भी पूछ रहा है आपको, ये पीछे मोड़ नहीं देता। मैं एक नंबर का रूप आती हूँ, हाँ ईमानदार हूँ। जब मेरी कोई ईमानदारी का हाथ उठा देगा और ऐसे ऊपर को झूठ बोल कर अच्छा नगर अलग बात है साबित कर देगा, उसे मैं इस्तीफा दे दूँ। मेरी गारंटी आप तो किसी ने कोई सुना हो तो बताओ, कोई है भाई जिनको आदत लगनी है सेक्रेटरी सरपंचों के, उसमें सबसे पहले जिम्मेदार सरपंच ही है। वो 10% लेकर ऊपर लेकर आता है, फिर पैसा लगा के लगाएगा कहां से? 10% वो खा जाएगा, 10 वीडियो खा जाएगा, 10 अस्पताल खा जाएगा। भाई आदत तो आप ही लगा रहे हो ना, हम तो कह नहीं रहे। पहले सरपंच ईमानदार बनोगे तो जाके ऊपर के लोग सुधरेंगे, उनको सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। और कोई चोरी कर रहा हो, कोई अधिकारी दूसरा लगने को तैयार हो तो मुझे नाम दे दो, मैं एक दिन के अंदर बता दूंगा। वैसे एक साल बाद जल्दी आपने इस सरकार को निभाने लगे और मेरी भी अभी काबिलियत को कम न करा दो, दो एक साल निकलने दो, फिर मेरे ऊपर लगता लगा। अभी ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। जय धन्यवाद।